नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सैजिटेरियस एसेंडेंट का अक्टूबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 9 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह शुरुआती तौर पर आपके किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो शनि आपके तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, चंद्र गुरु राहु आपके पांचवें स्थान पे बैठे हुए हैं, शुक्र आपके नौवें स्थान पे बैठे हुए हैं, सूर्य बुध मंगल आपके दसवें स्थान पे बैठे हुए हैं और केतु आपके ग्यारहवें स्थान पे बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्र का गोचर हुआ था 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को शुक्र आपके 8वें भाव से आपके 9वें भाव में गोचर किए थे। वही गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके 5वें भाव में वक्री रहेंगे और बुध 1 अक्टूबर को आपके 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर किए थे और 18 अक्टूबर को फिर से आपके 10वें भाव से आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं मंगल आपके 3 अक्टूबर को आपके 10वें भाव से 11वें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य 17 अक्टूबर को आपके 10वें भाव से आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग किया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग किया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग किया हुआ है। तो शनि आपके तीसरे भाव में बैठ के 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे और 8 9 10 दसवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे। वहीं गुरु आपके 5वें भाव में बैठ के 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे, 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे और 8 9 नौवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे। और मंगल जब आपके 4थे भाव में विराजमान रहेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चौथी दृष्टि लग्न पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि 4थे भाव पे और 8वीं दृष्टि 5वें भाव पे। और जब आपके मंगल जब गोचर कर जाएंगे 3 अक्टूबर को तो देखिए एक एक घर आगे उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो फिर यहाँ पे 4थी दृष्टि जो आपकी पड़ेगी आपके 2रे भाव पे, 7वीं दृष्टि फिर पड़ेगी आपके 5वें भाव पे और 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6वें भाव पे। लग्न पर आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि 2 अक्टूबर तक आपके लग्न पर पड़ रही है और आपके जो लग्न के स्वामी है आपके 5वें भाव में विराजमान है और 4 सितंबर से वही वक्री भी है। देखिए आपके लग्न पे 18 अगस्त से मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो 18 अगस्त के बाद आपको ज्ञान में रुचि बढ़ी होगी और आपके बच्चों पे भी आपका अच्छा फोकस रहेगा और आपको संतान सुख अच्छा भी मिलेगा। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो आपके प्रेम संबंध पे भी आपका अच्छा फोकस रहेगा। देखिए यहाँ पे 18 अगस्त को जब आपके लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ी तो उसके बाद से आपके स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिवनेस आया था और आपको क्रोध भी ज्यादा आ रहा था। देखिए 3 अक्टूबर को जब मंगल की दृष्टि जब आपके लग्न से हटेगी ना तो उसके बाद से आपका एग्रेसिवनेस कम हो जाएगा और आपको गुस्सा भी कम आएगा। दूसरे भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 3 अक्टूबर से पड़ेगी। जब देखिए मंगल का जब गोचर होगा ना तो उसके बाद जब आपके लग्न से हटेंगे तो आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे और दूसरे भाव के जो स्वामी है आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो होता है वाणी का, कोष का, कोष यानी कि सेविंग्स, कुटुंब का, कुटुंब मतलब कि परिवार का होता है। देखिए यहाँ पे शनि जब आपके 3रे भाव में गए होंगे तो आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि हुई होगी, यह बात अलग है कि आपका भागदौड़ हुआ होगा। देखिए यहाँ 3 अक्टूबर के बाद जब मंगल की दृष्टि आपके 2रे भाव में पड़ेगी ना तो हो सकता है कि आपको पारिवारिक कलेश का सामना करना पड़े, आपके परिवार में विवाद हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे आपका आपके परिवार में झगड़ा हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, देखिए आपके चूंकि मंगल आपके 2रे भाव में आ रहे तो कोशिश कीजिए कि आपको पारिवारिक कलेश से आप बच पाए और चीजों को कंट्रोल करके रखें ताकि घर में कलेश ना हो। 3रे भाव में आपके वक्री शनि विराजमान है और यहाँ शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र की दृष्टि भी आपके 3रे भाव में पड़ रही है। 3रा भाव जो होता है वो स्वयं के पराक्रम का होता है, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, डेली के प्रवास का होता है, पड़ोसी का होता है। देखिए पराक्रम के भाव में शनि बैठे हुए हैं और अपनी राशि में बैठे हुए हैं तो आप अपने आप में पराक्रमी तो महसूस कर रहे होंगे और आपके छोटे भाई बहन से भी आपको हिम्मत मिल रही होगी। देखिए और शनि जो है आपके 3रे भाव में 17 जनवरी 2023 को गोचर किए थे और 29 मार्च 2025 तक आपके 3रे भाव में ही विराजमान रहेंगे। इस समय आपके पड़ोसी के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आपके छोटे भाई बहन भी अच्छे पराक्रमी रह रहे होंगे। 4थे भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए
मंगल की दृष्टि 2 अक्टूबर तक आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के जो स्वामी है आपके पांचवें भाव में विराजमान है। चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं, 18 अगस्त से आपकी माता के नेचर में थोड़ा एग्रेसिवनेस आया था और उनको गुस्सा भी ज्यादा आ रहा था, और यहाँ पे हो सकता है कि आपका आपकी माता के साथ कोई विवाद हुआ हो और झगड़ा हुआ हो। देखिए, जब मंगल का गोचर आपके जब आपके 11वें भाव में जाएंगे ना, तो उसके बाद आपके चौथे भाव से मंगल की दृष्टि हट जाएगी, तो उसके बाद आपकी माता का जो एग्रेसिवनेस था वो कम हो जाएगा और उनको गुस्सा भी फिर कम आएगा। पांचवें भाव में आपके चंद्रमा, गुरु और राहु विराजमान है और यहाँ पे शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पूरे महीना आपके पड़ने वाली है। पांचवा भाव जो होता है वो होता है संतति का, प्रेम का, साधना का, पढ़ाई का होता है। देखिए, आपके पांचवें भाव में जो चंद्रमा है, चंद्रमा 1 तारीख के रात में 12:15 पर आपके पांचवें भाव से आपके छठवें भाव में गोचर कर जाएंगे। देखिए, यहाँ पे आपके पांचवें भाव में जो गुरु राहु के वजह से गुरु चांडाल योग आपका बन रहा था वो अब उतना प्रभावशाली नहीं रह रहा है क्योंकि उसमें डिग्री वाइज दूरी आ गया है। देखिए, यहाँ पे धनु लगने वालों के जो पांचवें भाव के जो स्वामी है मंगल है, तो उनका अक्सर देखा गया है कि उनके बच्चे नेचर में थोड़े एग्रेसिव होते हैं, और 18 अगस्त से मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपके बच्चे को ज्यादा ही एग्रेसिव अभी रह रहे होंगे और उनको गुस्सा भी ज्यादा आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पे आपको आपके बच्चे को थोड़ा शांतिपूर्वक हैंडल करना है क्योंकि ऑलरेडी वो गुस्सा में है, तो अननेसेसरली आप भी अगर गुस्सा करेंगे तो बात बिगड़ सकता है, तो आप उनको कामली हैंडल करें। और वहीं 18 अगस्त से आपके प्रेम संबंध में भी एग्रेसिवनेस आया होगा और आपके प्रेमी या प्रेमिका जो है उनको गुस्सा आ रहा होगा और आप लोगों का झगड़ा भी हो रहा होगा। देखिए, ये एक टेम्पररी फेज है और ये निकल जाएगा, तो आप इस फेज को समझदारी से निकालिए। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी माता से उनके पढ़ाई में अच्छा सपोर्ट मिल रहा होगा और उनसे ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही होगी। देखिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का जो समय चल रहा है वो ओवरऑल अच्छा चल रहा है, बस उनको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है क्योंकि देखिए शनि भी आपके वक्री हो गए हैं, तो शनि जब आपके वक्री हो गए हैं तो आपको जो पढ़ाई में पहले जो थोड़ा बहुत परेशानी आ रहा था वो पढ़ाई में परेशानी भी आपकी कम हो गई है, प्रेम संबंध में भी आपकी परेशानी कम हो गई है। बात अलग है कि देखिए अभी एग्रेसिव रह रहे हैं बट परेशानियां कम हो गई हैं, तो आपको इस समय को अपने समझदारी से हैंडल करना है। और अभी अगर जो स्टूडेंट्स है वो अगर मन लगा करके पढ़ेंगे तो उनको अच्छा रिजल्ट आएगा। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में 3 अक्टूबर से पड़ने लग जाएगी और छठवें भाव के जो स्वामी हैं आपके 9वें भाव में विराजमान हैं। देखिए, छठवां भाव जो होता है वो होता है रोग का, ऋण का, मामा मौसी का, शत्रु का होता है। देखिए, यहाँ पे मंगल की दृष्टि 3 अक्टूबर से जो पड़ेगी तो उसके बाद फिर आपके शत्रु हो सकता है थोड़े नेचर वाइज एग्रेसिव हो जाए और आपका उनसे झगड़ा भी हो जाए। कोशिश कीजिए झगड़ा से बचें आप, और आपके नानी परिवार में जैसे मामा मौसी हो गए ना, तो उनको भी अभी थोड़ा गुस्सा ज्यादा आएगा। अगर उनसे आपका कोई विवाद में अगर बढ़ रहा है तो उस विवाद को आप टाले। देखिए, यहाँ पे जो छठवें भाव के स्वामी हैं वो आपके 9वें भाव में विराजमान हैं, तो आपका आपके शत्रु के आगे लक कम साथ देने वाला है। 7वें भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 7वें भाव के जो स्वामी है 1 से 17 अक्टूबर तक आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस का, भागीदार का होता है। अभी आपका आपके स्पाउस के साथ संबंध ठीक रहेगा, सिर्फ शुरुआत के 2 दिन 1 और 2 तारीख को जब मंगल के साथ युति में रहेंगे तो उनके नेचर में एग्रेसिवनेस रहेगा और थोड़ा गुस्सा उनको रहेगा, पर ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो अभी आपका संबंध अच्छा रहने वाला है। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आपका स्पाउस आपके काम में आपका मदद भी करे। 8वें भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जो आपका 8वां भाव है वो कर्क का है जिसके स्वामी चंद्रमा है, तो जब चंद्रमा 7 तारीख के शाम में 5:18 पर गोचर करेंगे और 9 तारीख के सुबह 5:45 तक आपके 8ष्टम भाव में ही विराजमान रहेंगे, तब आपके पत्रिका में चंद्रमा से विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए, 8ष्टम भाव में जब चंद्रमा आएंगे तो आप थोड़ा बहुत तो डिप्रेस फील करेंगे, पर यहाँ पे देखिए विपरीत राजयोग का निर्माण होने के कारण आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने साहस और पराक्रम से कठिन परिस्थिति को पार कर लेंगे। 9वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है और वक्री गुरु की भी दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, और आपके 9वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 10वें भाव में हैं। यहाँ पे देखिए शुक्र जो है आपके 6वें और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, यहाँ पे 1 से 17 तारीख तक आपके पिता और बॉस से आपके भाग्य की वृद्धि होगी, मेहनत करेंगे तो आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा, और आपका काम करते करते
रिलीजियसनेस भी बढ़ेगा। और वहीं जब सूर्य 17 अक्टूबर को आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे तब आपके पहचान के मित्रों से आपके धन की वृद्धि करेंगे और आपके मित्रों द्वारा आपको काम भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपकी आमदनी भी अच्छी रहेगी। देखिए 17 अक्टूबर के बाद हो सकता है कि आप अपने दोस्त के साथ कोई मंदिर जाने का प्लान करें। आपका यहाँ धार्मिक कार्यों पे खर्च भी होगा। देखिए आप अगर कोई धर्म संस्था चालक है ना, जैसे कि आप मंदिर अगर आप चला रहे हैं या फिर आप कोई भी धर्म से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं जो कि आप चला रहे हैं तो आपको इस समय अच्छा लाभ होगा। दशम भाव में सूर्य 16 अक्टूबर तक, बुध 17 अक्टूबर तक और मंगल 2 अक्टूबर तक विराजमान है। यहाँ पर बुध अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य बुध की युति जो आपके दशम भाव में हो रही है उससे बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि बुध आदित्य योग का निर्माण अक्टूबर के महीना में 16 दिन के लिए ही हो रहा है, पर बुध आदित्य योग का आपके दशम भाव में निर्माण हो रहा है। दशम भाव बॉस, पिता, ऑफिस, काम का होता है। देखिए यहाँ पे 17 अक्टूबर तक आप अपने काम पे बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं और जब आप मेहनत करेंगे तो आपका नसीब भी आपका अच्छा साथ देगा। आपको घर वाहन आदि का सुख भी अच्छा मिलेगा। अगर आप कोई काम अपने पिता के साथ कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ भी होगा। देखिए यहाँ पे 18 अगस्त से 2 अक्टूबर तक आपके पिता और बॉस के नेचर में एग्रेसिवनेस आया था और उनको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था। हो सकता है कि आपका उनके साथ कोई विवाद भी हुआ हो। देखिए ऑफिस में भी कुछ आपका विवाद होने की संभावनाएं थी। वो आपका देखिए जब मंगल का 3 अक्टूबर को आपके 11वें भाव में जाएंगे तो उसके बाद फिर ये जो विवाद आपका हुआ था, जो ऑफिस में जो थोड़ा बहुत परेशानियां चल रही थी, वो आपका कम हो जाएगा। 11वें भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल देखिए 3 अक्टूबर को आपके 11वें भाव में आएंगे, सूर्य 17 अक्टूबर और बुध 18 अक्टूबर को आपके 11वें भाव में आएंगे। देखिए यहाँ पे फिर से वापस सूर्य बुध की युति हो रही है आपके 11वें भाव में, तो आपके बुध आदित्य योग का निर्माण 11वें भाव में आपके बन रहा है सूर्य बुध की युति से। देखिए यहाँ पे 11वें भाव में चूंकि आपके मंगल आए हैं और यहाँ पे आपके 5वें भाव को देख रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं हो सकता है उनके स्कूल या कॉलेज में उनका झगड़ा हो जाए, तो वो खासकर झगड़ों से बचें अभी फिलहाल। देखिए यहाँ पे जब बुध आपके 11वें भाव में जाएंगे ना 18 अक्टूबर को, उसके बाद अगर आप कोई अपना बिजनेस एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको पहचान वालों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा क्योंकि उनसे आपको काम मिलेगा और आपके कम्युनिकेशन से भी आपको लाभ होगा। और इस समय आप जहां भी पैसा लगाएंगे वहां से आपको पैसा मिलेगा। और देखिए जो मंगल है, मंगल आपके 5वें भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी है जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको अगर विदेश संबंधित आप काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया या फिर फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड काम हो गया या फिर आपका आईटी कंपनी कोई आप चला रहे हैं या फिर आपका कोई फॉरेन से आप प्रोजेक्ट्स उठा करके पूरा कर रहे हैं, तो आपको इस समय निश्चित रूप से लाभ होगा। और यहाँ पर अगर आपके बड़े बच्चे कमाते हैं तो उनसे भी आपको लाभ होगा। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर आपके 12वें भाव में वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया 12वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वां भाव जो होता है ना वो होता है जेल का, फॉरेन का, खर्च का, मोक्ष का, हॉस्पिटल का। देखिए यहाँ पे 3 अक्टूबर के बाद आप खर्चा तो करेंगे लेकिन बहुत सोच समझ के आप खर्च करने वाले हैं, पर देखिए तब भी आपका आपके दोस्तों पर यहाँ पे खर्च होगा। देखिए चूंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, हालांकि शनि वक्री है लेकिन तब भी अगर आप फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो आप कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो आप इस डेट को कंसिडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप कुछ नया खरीदने का भी सोच रहे हैं तो इस डेट को कंसिडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 1 9-12 तारीख, 14-16 तारीख, 23-24 तारीख, 28-29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आपका कोई कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है तो उस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ अगर आपका ज्वाइनिंग है तो अवॉइड कीजिए, कोई नया काम अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट को अवॉइड कीजिए, डेट्स आपके लिए अच्छे नहीं है ये वाले। तो डेट्स हो जाते हैं 2-4 तारीख, 17-19 तारीख, 30-31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। उपाय में देखिए आपके जो नवम भाव के स्वामी है ना वो सूर्य है, तो अगर आप सूर्य की पूजा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप सुबह सुबह उठ करके सूर्य को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस महीने में अगर आप देवी की अगर आप पूजा करेंगे, कोई देवी माँ की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।